सर, जैसे कि एक सीवियर ब्रेकडाउन होता है किसी का भी, तो उस टाइम बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बिल्कुल भी हम उनको पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं, एंड ऊपर से ये गाने और आ जाते हैं, वो अपनी लाइफ से रिलेट हो जाते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, तो हम उस टाइम पॉजिटिविटी कहाँ से लाएं? तो मोर्चा निकालें बाहर सड़कों पे कि गाने वाने बंद करो। सर, ऐसा करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम कितनों ने फेस करी है लाइफ में आप में से? कितनों ने आज तक फेस ही नहीं करी है? उनको पता ही नहीं है इमोशनल ब्रेकडाउन क्या होता है। जिनका बढ़िया चलता है उन्हीं का बेकार होता है, जितना बढ़िया चलता है उतना ही बेकार होता है, याद रखना, इसी को इमोशनल ब्रेकडाउन बोलते हैं। जिनका घटिया ही चल रहा था और ब्रेकअप हो गया तो उसको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, वो तो कहेगा अच्छा है। सो अब ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है हमारा, मतलब इमोशनली हम पूरी तरह से अंदर से टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? देखो, एक है थियोरेटिकली हम कुछ बोल रहे हैं, थियोरेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट वही कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है उसी को पता लगता है। हाँ, यस सर, है ना? हाँ, क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर देता है उस टाइम पे, उस टाइम पे बातें समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि अंदर तक बंदा पूरी तरह से हिल जाता है, बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे जिसको हम ब्रेकअप बोलते हैं, वो पता है कैसा है? बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका कोई बॉडी का पार्ट है, या मान लो नाखून है, उसको कोई प्लास से पकड़े और पकड़ करके खींच दे, तो फिजिकली कितना दर्द होगा? सोचने में दर्द हो रहा है। सोचने में ही दर्द हो रहा है, तो सोचो अगर एक्चुअल में कोई कर दे तो फिजिकली कितना दर्द होगा? बहुत दर्द होगा। ऐसे ही इमोशनली अगर किसी के साथ में आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो और आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है, एंड यू फील एज इफ कि भाई अब तो हम कभी अलग हो ही नहीं सकते, और उससे अलग हो जाओ एकदम से, तो उतना ही दर्द होता है, अंदर तक हालत खराब हो जाती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो पेन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सर, अपने पैशन को फॉलो करो। नहीं सर, जैसे पेन से बाहर निकलने के लिए अपने आप को उसे मतलब उसी में उतारने की कोशिश करना। सर, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। इसका मैं एक्चुअल में आपको बता देता हूँ सोल्यूशन क्या है। एक है थियोरेटिकल सोल्यूशन, वो क्या है कि हम अपने आप को मजबूत बनाए, एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट कर लें, ये सब एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में पता है इसका क्या सोल्यूशन है? जब ऐसा कुछ हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर अपना एग्जांपल बताऊं क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दांत में मेरे को कोई ट्रीटमेंट कराना है, तो मैं अपने उसको डेंटिस्ट को बोलता हूं कि जो पेन किलर है वो मत लगाओ, आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व द पेन। तो मैं अपनी चॉइस से उस पेन को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ये देखने के लिए कि मेरी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, कितना दर्द मैं सह सकता हूं। तो डोंट रन अवे फ्रॉम इट। ये जो इमोशनली हमारी जो इतनी बुरी हालत है, इमोशनल ब्रेकडाउन है, इफ यू ट्राई टू सप्रेस इट, इफ यू ट्राई टू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम इट, ये सब काम नहीं करेगा और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। फेस इट कि देखता हूं मेरी लिमिट क्या है, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मैं कहां तक दर्द को सह सकता हूं या सह सकती हूं, तो वहां से आपको एनर्जी मिल जाएगी। अगर उस लिमिट को आप बढ़ाने के लिए एक्ट करोगे तो जस्ट बी वन विद इट, मतलब उसके साथ में जुड़ो, उससे भागो मत, मतलब यू आर फीलिंग बैड, जस्ट बी वन विद इट, मतलब अपने आप को अंदर से बोलो आराम से अकेले में बैठ करके, देखती हूं मेरे को कितना बुरा लग सकता है, आई एम नॉट अफ्रेड, लेट मी सी कि मेरी लिमिट क्या है, मैं कहां तक सह सकती हूं, देखती हूं कि मैं मरती हूं या नहीं मरती हूं बिकॉज ऑफ दिस पेन, देखती हूं ये पेन मेरा क्या करता है, देखती हूं क्या थॉट्स आ सकते हैं मेरे माइंड में, किस लेवल का, रोको मत थॉट्स को, डोंट से कि नहीं मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना, सोचना है, देखती हूं क्या हो सकता है, देखती हूं इसकी अपर लिमिट क्या है, मैक्सिमम कहां तक जाते। तो वंस यू स्टार्ट पुशिंग योर लिमिट्स, अब आप देखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये रियलाइज हो जाए अंदर से कि ये सब जो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो होता है ना, एक है फिजिकल पेन जिसकी मैंने बात करी, वो नाखून वाले की, उसमें तो एक्चुअल में दर्द होता है, ये जो साइकोलॉजिकल पेन है, दिस इज सब्जेक्टिव, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव, दोनों में फर्क है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर नाखून किसी का भी उखड़ेगा तो उसको सबको दर्द होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दर्द नहीं होगा, बट ये जो साइकोलॉजिकल पेन होता है, दिस इज सब्जेक्टिव, यानी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरह से देख रहे हो। उसी सिचुएशन में, एग्जैक्ट सिचुएशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े आराम से मूव ऑन कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ही बुरी हालत जिनकी हो जाती है, कुछ है जो एक ठीक है मॉडरेशन में करके आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर विलिंगनेस टू फेस इट, और जब पूरी तरह से वंस यू आर ओपन फॉर दैट साइकोलॉजिकल पेन, तो धीरे धीरे ये जो साइकोलॉजिकल पेन है ये आपके ऊपर हावी होना बंद हो जाता है, ये कह लो डीपर लेवल से तो पूरी तरह से निकल जाता है।
अगर सिंपल एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ में कुछ बहुत बुरा होगा तो आपको इमोशनली बुरा लगेगा, लेकिन सिर्फ उस टाइम पे लगेगा। लोगों के साथ में ये भी होता है कि कुछ बुरा नहीं भी हो रहा तब भी साइकोलॉजिकली बुरा लगता ही रहता है, परमानेंट स्टेट बन जाती है। तो अगर आपने ये कर लिया तो यहाँ से बाहर आ सकते हो, जो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। बट आई एम नॉट टू श्योर आप कैसे इसको देख पा रहे हो। यानी अकेले में बैठ करके जस्ट गैदर अप ऑल योर करेज एंड से टू योर सेल्फ, लेट मी सी कि मेरी अपर लिमिट क्या है, मैं कहाँ तक बियर कर सकती हूँ, मैं कहाँ तक बियर कर सकता हूँ। तो यू वुड बी सरप्राइज टू सी दैट कि आप क्या कर सकते हो साइकोलॉजिकली बियर, कोई लिमिट नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा एक सेइंग है कि इफ़ एनीथिंग हैपेंस हैपन फॉर अ रीज़न, मतलब गुड रीज़न, और बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। सर मतलब ये कैसे रेलेवेंट है, और मतलब बहुत चीज़ होता है जिसके लिए उसके लिए कुछ अच्छाई खोज ही लेते हैं अपन लोग, बट बहुत चीज़ ऐसा भी होता है कि जिसका कोई अच्छाई समझ में नहीं आता है। जैसे कोई बच्चा है और उसके बचपन में उसके माता पिता गुजर गए हैं, सर तो उस केस में कैसे ये रेलेवेंट है, और यही सर मेरा क्वेश्चन है। आप कह रहे हो कि ये एक कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये समझनी है, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले व्हाट आई वांट टू ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इज कि किसी भी बात को लिटरली नहीं लेना चाहिए। किसी भी बात को एज इट इज मत लो, थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग लगाओ कि जरूरी नहीं है कि कहीं पे लिखा है, चाहे वो कहीं भी लिखा है, चाहे वो किसी ने भी कहा है, चाहे वो बंदा किसी भी लेवल पे है, किसी ने कुछ कहा है तो उसने एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कुछ कहा है, तो उस बात को हम हर जगह पे फिट नहीं कर सकते। हर जगह पे फिट करेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर हम क्या कहेंगे कि वो बंदा गलत कह रहा है, जबकि जरूरी नहीं है वो बंदा गलत कह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कह रहा हूँ तो अब अगर मैं कह रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूँ, बट उसी बात को पकड़ करके अगर आप और जगह पे फिट करोगे तो वो बात अप्लाई नहीं होगी। फिर आप क्या कहोगे कि नहीं ये बात बेकार है, ये बात गलत है। वो बात गलत नहीं है, आपकी समझ गलत है। तो अब आपने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक्चुअल में लाइफ में जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है ना वो बुरे के लिए होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका रीजन क्या है? देयर इज नो रीजन, देयर इज अ कॉज बट देयर इज नो रीजन। ध्यान से समझना, दोनों में बड़ा फर्क है। एक है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, व्हाटएवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ कॉज। अर्थक्वेक आया उसके पीछे कॉज है, मान लो बाढ़ आई कहीं पर उसके पीछे कॉज है, किसी का एक्सीडेंट हुआ कोई ना कोई कॉज है, बट रीजन क्या है? ये रीजन कहां होता है? ये रीजन आदमी के माइंड में होता है। हम रीजनिंग करते हैं थ्रू आर इंटेलेक्ट, कि हम बोलते हैं अच्छा ये हुआ इसके पीछे ये वजह है। दैट वजह मे बी डिफरेंट फ्रॉम अ कॉज, कॉज एंड इफेक्ट कैन बी मेजर्ड साइंटिफिकली, बट रीजन इज बॉर्न इन द माइंड, कि हम खुद एक रीजन दे रहे हैं कि अच्छा ये हुआ ये अच्छे के लिए हुआ, ये हुआ ये बुरे के लिए हुआ, ये अच्छा हुआ ये बुरा। ये जो अच्छा और बुरा है ये सिर्फ हमारे माइंड में है। इस यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। हर एक चीज के पीछे कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है। अगर वो कॉज है तो वो इफेक्ट आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। सो नाउ व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड हियर इज कि हम खुद अपना एक मतलब निकाल रहे हैं, हम खुद उसको मीनिंग दे रहे हैं। जो हो रहा है इस दुनिया में उसको कोई मीनिंग नहीं है। मान लो कोई जानवर है वो दूसरे जानवर को खा रहा है, अब इसमें क्या मीनिंग है? वो खा रहा है क्योंकि उसको भूख लग रही है। क्या वो अच्छे के लिए हो रहा है? क्या वो बुरे के लिए हो रहा है? हाँ, एक के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो आप उसको बुरा भी बोल सकते हो जो मरा, लेकिन जिसका पेट भरा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी बोल सकते हो। बट ये भी सिर्फ हमारे स्टैंड पॉइंट्स हैं जो हम अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं, क्योंकि जो आज उसको खा रहा है कल उसको भी कोई और खा जाएगा। तो अब क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है? सो अब यहाँ पे जो बच्चे वाला आपने एग्जाम्पल दिया, बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो अब ये क्या अच्छे के लिए हुआ है? बिल्कुल भी अच्छे के लिए नहीं हुआ। इसमें क्या अच्छा है? क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ बाप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक माँ बाप से ज्यादा उस बच्चे की केयर कौन कर सकता है। तो ये जो हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ, अब हो गया है, अब क्या करें? अब उस बच्चे को क्या करना चाहिए? जिंदगी भर बस बैठ करके रोता रहे? नहीं, उसको क्या बोलना चाहिए? बहुत बुरा हुआ तेरे साथ में, तेरी क्लास में इतने सारे बच्चे और भी हैं, तेरे स्कूल में इतने सारे बच्चे और हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, तेरे साथ में हुआ, तेरे साथ में बहुत बुरा हुआ। तो उस बच्चे की क्या हालत होगी? मेंटली उसकी कैसी कंडीशन हो जाएगी? और खराब। बेटर होगी या खराब होती चली जाएगी? खराब, और खराब होती चली जाएगी। दूसरी तरफ से अगर हम उस बच्चे को बोले कि देख जो तेरे साथ में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन पास्ट में ऐसा और भी लोगों के साथ में हुआ था, जब हुआ उस वक्त बहुत बुरा लगा, लेकिन ये होने की वजह से देख आज वो बच्चे उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया। मान लो ये है ये है ये है, ऐसे 10 लोग हैं, देख उन्होंने क्या किया, तो वो कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है।
अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं उस बच्चे को, एम्पावर कर रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर एम्पावरिंग द अदर पर्सन। एक्चुअल में अगर आप इसका मीनिंग ढूंढोगे तो कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मैं बोलता रहता हूँ आसान है, तो क्या आसान है इस दुनिया में, कुछ भी आसान नहीं है, समझे। बट दिस इज जस्ट अ वे टू एम्पावर यू गाइज, कि भाई बोलते रहोगे मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, तो थोड़ी देर बाद बोलने लग जाओगे नामुमकिन है, मैं कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता, पड़े रहो गुमसांड की तरह कहीं पर साइड में। लेकिन अगर आप अपने आप को बोलोगे नहीं नहीं आसान है, मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ, तो धीरे 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 एक बिलीफ अंदर पैदा होने लग जाता है, लगता है कि हाँ शायद मैं भी कर सकता हूँ। एक्चुअल में दोनों ही बात बकवास है, ना कुछ मुश्किल है ना कुछ आसान है, ऐसी ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ये मीनिंग है जो हम उस सिचुएशन को दे रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो शायद हमारा दिमाग उसकी एक ऐसी साइड को देख ले जहां से हमको कुछ एनर्जी मिले। क्लियर है? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हम लाइफ में ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि जिसके ऊपर हम खुद ही रिग्रेट करते रहते हैं। बाहर वाले लोग तो हमें बोलते ही हैं कि हाँ तुमने ये गलती कर दी कर दी कर दी, और कभी कभार कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम शेयर भी नहीं कर सकते, और हमने खुद ही वो गलती करी होती है और हम खुद ही के ऊपर वो रिग्रेट कर रहे होते हैं, तो हमें उसे ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? ये रिग्रेट अच्छा है, ये होना भी चाहिए। ये किसको होता है? जो अच्छा इंसान होता है। अच्छे इंसान की अब क्या डेफिनेशन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, ये हम हैं जो एक मीनिंग दे रहे हैं। अच्छा मतलब वो जो इस सोसाइटी के लिए अच्छा है, औरों के लिए अच्छा है। मान लो कोई अगर पी करके गाड़ी चला रहा है तो उसको क्या कहोगे? क्या वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है? बुरा इंसान है, क्योंकि वो औरों के लिए भी बुरा है, उसको तो अच्छा नहीं कह सकते ना। हाँ, बट कोई अगर ढंग से ड्राइव कर रहा है, कोई सामने से जा रहा है रोड क्रॉस कर रहा है तो देख रहा है रुक रहा है, उसको जाने का मौका दे रहा है, तो उसको आप अच्छा इंसान बोल सकते हो। तो पहले इस अच्छे बुरे की डेफिनेशन को हमको क्लियर करना है, ठीक है ना। तो अब आता है कि ये रिग्रेट किसको होता है? बहुत लोग हैं जो बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं इस दुनिया में, पता नहीं किस किस लेवल के काम करते हैं, जो हमको बोलने में ही शर्म आ जाए, उनको कोई रिग्रेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता उनको रिग्रेट? हाँ, और इंसान एक्चुअल में अच्छा बुरा नहीं होता है, ध्यान से समझना, क्यों नहीं होता उनको रिग्रेट? जिनको बोलते हैं बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल्स, जैसे आप ये सारे सीरियल्स में देखते हो, ये सीरियल्स नहीं आते आजकल, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, 4 साल पहले देखा था छोड़ दिया। अच्छा, उसमें आए तो नहीं ना। तो अब बुरा इंसान क्या कोई माँ के पेट से निकलता है कि वो बुरा पैदा हो गया, वो अच्छा पैदा हो गया, ऐसा होता है क्या? क्या हुआ? उसने कभी ना कभी कोई ना कोई गलती करी, लेकिन उसके अंदर रिग्रेट नहीं हुआ वो गलती करने के बाद, या रिग्रेट हुआ भी तो हल्का फुल्का हुआ, उसके बाद में वो आगे और सिचुएशन बिगड़ती चली गई। आज उसकी हालत ऐसी हो गई बिल्कुल पत्थर का दिल हो गया उसका, वो कुछ भी कर दे उसको कोई रिग्रेट नहीं होता है। सो ऑल आई कैन से इज, ये रिग्रेट होना अच्छा है, तो डोंट टेक इट नेगेटिवली। क्योंकि इस क्वेश्चन का एक आंसर ये भी हो सकता है मैं आपको कहूं कि नहीं रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मूव ऑन इन लाइफ, ये वो, बट इफ यू स्टार्ट मूविंग ऑन, अगर आप कुछ गलत करोगे किसी के साथ में, रिग्रेट तभी हो रहा है जो आप किसी को बता तक नहीं सकते कि आपकी एक्चुअल में गलती है, तभी रिग्रेट हो रहा है ना, कि आपको पता था कि ये नहीं करना चाहिए लेकिन गलती हो गई और आपको रिग्रेट हो रहा है, तो ये अच्छा है। दिस इज अ साइन दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बींग, यू आर गुड एट हार्ट। तो इस रिग्रेट को फील करो, करो रिग्रेट वहां पर, जितना करना है करो, बट रिग्रेट करने के बाद में उस एक्सपीरियंस से कुछ सीख लो, ताकि वो गलती जो आपने करी पास्ट में वो दोबारा से ना करो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो, थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।